गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट सबसे पहले हम देखेंगे कोप रीअरेंजमेंट। कोप रीअरेंजमेंट में क्या होगा, 1,5-diene की 3,3-1,5-diene का जो हम रिएक्शन कराएंगे, उसको थर्मली रिएक्शन कराएंगे, तो उसमें होगा 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। यानी कि 3.3 में ये कोप रीअरेंजमेंट जो है वो उसका एग्जाम्पल है। तो हम पहले 1,5-diene लें, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है, दी थर्मल रीअरेंजमेंट ऑफ 1,5-diene बाई 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड कोप रीअरेंजमेंट। तो 1,5-diene को पहले हम यहाँ पर लिखें, यहाँ हमारा ये सिस्टम, यहाँ पर ये दो डबल बॉन्ड, हमारा ये 1,5-diene, यहाँ से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा 1, ये 5 और ये 2 diene, 1,5-diene। तो ये है हमारी 1,5-diene। अब इसको हमें कराना है थर्मली में, थर्मली कराएंगे इसे हम रिएक्शन, ये रिवर्सिबल होगी। तो ये वाला बॉन्ड जो है और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, सिग्मा ट्रॉपिक में एक सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट होता है, यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। जैसे कि ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, ये कार्बन अनसैचुरेटेड है, इसे सैचुरेटेड वाला जो है हम उसको नंबरिंग देंगे 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब ये नंबरिंग 1 है, इस नंबरिंग 1 वाले से इसको भी नंबर देंगे 1, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड, इसको नंबरिंग देंगे 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। जो कार्बन हमारा ब्रेक होकर दूसरी जगह माइग्रेट होकर यहाँ पर लगने वाला है उसको हम नंबरिंग देंगे 1, 1, हमारी उसकी नंबरिंग होनी चाहिए 1, 1। तो अब ये वाला बॉन्ड इधर मूव हो जाए और ये वाला इधर और ये वाला इधर, तब इसमें ये जो रिएक्शन होगी हमारी 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये होगी कोप रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया पहला एग्जांपल। हम देखते हैं दूसरा हम कुछ नहीं करना, यहाँ पर अगर CN या फिर CO कुछ कोई ग्रुप लगा हुआ हमारा, ये है हमारी 1,5-diene। अगर यहाँ पर इधर लगाओ CN, इधर लगाओ COO C2H5, तभी रिएक्शन वैसे ही होगी, यही सिग्मा बॉन्ड हमारा ये माइग्रेट होना है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर। ये हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर जो दो ग्रुप लगा वैसे ही यहाँ पर ये ऐसे लगा रहेगा COO C2H5। अब हम ये हमारा दो तरह का एग्जांपल हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा, कुछ वो कुछ इस तरह का हो, ये हो, अगर हमारे पास इस तरह का कोई रिएक्शन भी हो तो इसमें भी वही होगा। ये इस ग्रुप को आप पूरा अगर इधर अगर छोड़ दें तो ये ग्रुप जो है हमारा इसी की तरह का दिखेगा ना, ये वाला, तो इसमें भी हमारी हो जाएगी 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट और होगी कोप रीअरेंजमेंट। ये अनसैचुरेटेड, इसे दें, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है और इससे लगा हुआ ये सैचुरेटेड कार्बन, इसको नंबरिंग देंगे हम 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 और इस 1 नंबरिंग के बाद देंगे हम फिर से इस सिग्मा बॉन्ड को जो ब्रेक होगा उसको हम देंगे 1, 1 नंबरिंग, फिर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये बॉन्ड इधर मूव होगा और ये वाला इधर और ये वाला इधर, तब हमारे पास क्या बनेगा वो देख, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, तो इसके बाद हमारा बन जाएगा ये, इसे प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये हो गया हमारा कोप रीअरेंजमेंट। तो अब हमें क्या देखना है कि इस कोप रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल में ये कैसा दिखता है। जैसे कि इसको अगर हम बनाना चाहें, जैसे पहले ये देखिए, ये वाला था यहाँ पर 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हुई, ये रिवर्सिबल है, ये बन गया, तो ये रिवर्सिबल है, इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, तो मैं इसको लेकर चल रहा हूँ।
इसको मैं अगर बनाना चाहूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड है, तो ये वन टू थ्री फोर फाइव ये हो गए फाइव बॉन्ड। अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तब क्या होगा, ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दिखाने के लिए इस तरह बनाना पड़ता है ताकि स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आए। तो ये डबल बॉन्ड ये दे रहा, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया। तो अगर अब इसकी रिएक्शन कराई जाए, यहाँ पर भी होगी 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये रहा हमारा अनसैचुरेटेड, ये रहा सैचुरेटेड, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 1 से हमेशा नंबरिंग होगी 1 से 1, तो ये 2 ये 3। अब 1 1 के बांड का 1 1 1 1 के बीच का बांड ब्रेक होगा, तो ये वाला बांड इस साइड मूव हो जाए, तो ये वाला बांड इस साइड जाएगा और ये वाला बांड इस साइड आएगा, तब क्या होगा हमारा, इसके बाद हमारा बनेगा एक इंटरमीडिएट, वो होगा इस तरह का, ये इस तरह से हो जाएगा। और ये वाला बांध जब इधर कर रहा है तो ये वाला बांध यहाँ से इस तरह से बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इधर बन रहा है और इधर बन रहा है और इधर बन रहा है। देखिए ये वाला जब इधर गया तो इधर बांध बना, और ये वाला जब बांध इधर आया तो इधर बांध बनने लगा, और ये वाला बांध जब इधर आ रहा है तो इधर बांध बन रहा है, तो एक और यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है, ये हो गया बनने वाला। अब ब्रेक हो रहा है कहाँ से, 2 3 पोजीशन यहाँ से ब्रेक हो रहा है, 1 1 पोजीशन ये वाला बाउंड ब्रेक हो रहा है, और 2 3 ये वाला बाउंड ब्रेक हो रहा है। तो देखिए अब ये वाला बाउंड ब्रेक हो रहा है, यहाँ वाला ब्रेक हो रहा है और यहाँ वाला ब्रेक हो रहा है और यहाँ वाला ब्रेक हो रहा है, ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, तो इसके बाद हमारा दो बांड यहाँ पर बन जाएगा और तीसरा वाला यहाँ बन जाएगा, तो इसके बाद हमारा प्रोडक्ट ये हो जाएगा। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे होने वाली। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में इसका यूज़ होने वाला है इस तरह की, जो बनाया गया ट्रांजिशन स्टेट है इसका ये सब उसमें यूज़ होगा स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमें देखनी है कोप रीअरेंजमेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री। तो कोप रीअरेंजमेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री देखने से पहले हम देखते हैं साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियो केमिस्ट्री। साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियो केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसमें मिलेगा, लेकिन मैं इसमें उतना बताने वाला हूँ जितना मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। तो साइक्लोहेक्सेन को हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन जब इसको हम चेयर फॉर्म में दिखाएं तो वो होता है इस तरह से। ये हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, वो कौन कौन सी, तो ये देखिए ये जो मैं बना रहा हूँ इसको अभी देखिए, ये इन पोजीशन को कहते हैं एक्सियल, और अब जो बना रहा हूँ वो देखिए 1 2 3 4 5 6 एक्सियल है, जो मैंने 6 अभी ड्रॉ किए हैं वो 6 एक्सियल। अब ये देखिए ये इन सबको कहा जाता है इक्वेटोरियल। तो ये हो गया हमारा एक्सियल और ये वाली हो गई पोजीशन हमारी इक्वेटोरियल। अब इक्वेटोरियल और एक्सियल में सिस कब होगा, ट्रांस कब होगा, वो अब हमें देखना है। तो एक्सियल अगर कोई ग्रुप हमारा जैसे CH3 यहाँ पर और इस एक्सियल CH3 यहाँ पर दोनों एक्सियल पोजीशन पे लगा हो, एक्सियल पर अगर दोनों होगा तो ट्रांस, तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी ट्रांस। चलिए अब इन दोनों को हटाकर अगर दोनों इक्वेटोरियल पे लगा हो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, अगर दोनों इक्वेटोरियल पे होगा तब क्या होगा,
इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल जब दोनों एक्सियल एक्सियल पे था तो होगा ट्रांस, दोनों इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल पे होगा तो भी होगा ट्रांस। अब चलो अब दो कंडीशन हो, दो तरह हो गया ये हमारा। अब हम देखें तीसरा, एक इक्वाटोरियल पर हो और दूसरा एक्सियल पर हो तब क्या होगा, यानी एक्सियल इक्वाटोरियल। एक्सियल इक्वाटोरियल होगा हमारा सिस, इसी तरह से हो जाएगा इक्वाटोरियल एक्सियल सिस। यानी जब दोनों सेम सेम पोजीशन पर होगी तो ट्रांस, और जब दोनों डिफरेंट पोजीशन पर होगी तो सिस। ये इसलिए बताया क्योंकि अभी इसका यूज़ होने वाला है। अब इधर देखिए, अब हमें स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है। ये रहा हमारे पास ये, और इधर लगा हुआ ये स्टीरियो ग्रुप कुछ ऊपर की साइड। जरा CH3, और ये भी CH3। अब ये दोनों क्या हैं आपस में, सिस हैं। तो दोनों को पहले हम इसको इस तरह से बनाएं जिस तरह से वो चेयर फॉर्म में, तो अब इन दोनों को हम कहाँ पर दिखा सकते हैं वो देखिए। आप ये दोनों एबव दी प्लेन है, तो ये दोनों आपस में सिस हैं। तो सिस के लिए हमारे पास कंडीशन दो है, एक सिस के लिए ये है, एक सिस के लिए एक्सियल इक्वाटोरियल या फिर इक्वाटोरियल एक्सियल। चलिए हम ये बन लेते हैं, जब कोई भी हमारा फॉर्म ये हमारा दोनों, जब दोनों सिस होगा तब सिस में हम क्या बनाएंगे, एक एक्सियल पर और एक इक्वाटोरियल पर। तो एक्सियल वाला हमारा ये हो जाएगा और इक्वाटोरियल वाला हमारा हो जाएगा हमारा ये। तो CH3 एक आ जाएगा यहाँ पर और एक CH3 आएगा यहाँ पर, बस याद हो गया। अब इसके बाद हमारी आराम से कोप रीअरेंजमेंट हो जाएगी, 3 3 3 3 सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, जिसे हम कहते हैं कोप रीअरेंजमेंट। तो इसे नंबरिंग दे सकते हैं आप, ये सैचुरेटेड एरा 1, ये एरा 1, ये 2 3 2 3। तो ये वाला 1 इधर घुमा दो और ये वाला इधर और ये वाला इधर। और बाकी ये दोनों CH3 जैसे लगा है वैसे ही लगा रहेगा, ये इधर की साइड और ये वाला इधर की साइड। अब ये दोनों बांड ये वाला दोनों इधर आ जाएंगे, इधर ये वाला घूम कर इधर ये बांड बनेगा, ये वाला जब घूमेगा इधर, ये वाला इधर, तो इधर एक बांड बना ये वाला, और ये वाला जब इधर मूव किया तो ये वाला बना ये रहा। चलिए ये दोनों सिस हो गए, अगर इन दोनों का अगर हम ट्रांस रखें तब क्या होगा, ट्रांस मतलब एक वाला एक ऊपर रहे CH3 और दूसरा नीचे की साइड, ये अबव द प्लेन ये बिलो द प्लेन। तभी इसको सबसे पहले हम इस तरह से बना लेंगे, ये रहा डबल बॉन्ड हमारा ये वाला और ये रहा ट्रांस। तो ट्रांस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, तो ट्रांस के लिए यहाँ पर देखिए ट्रांस एक्सियल एक्सियल दोनों एक्सियल एक्सियल पर हो तो होगा हमारा ट्रांस। तो एक्सियल पोजीशन कहाँ कहाँ है, एक रही ये वाली और ये रहे एक रही ये वाली, ये हो जाएगा CH3 यहाँ पर, हो जाएगी CH3 यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये वाला बांड इधर, ये वाला बांड इधर और ये वाला बांड इधर, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं कोप रीअरेंजमेंट। यहाँ पर आ जाएगा डबल बांड हमारा ये दोनों, और ये दोनों CH3 एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये हो गया हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। तो अब देख लेते हैं ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट क्या है उसे अब हमें देखना है। तो सबसे पहले आया हमारी वही 1,5-diene बनाए हम, ये हो गया हमारा, और इससे कोई यहाँ पर OH ग्रुप लगा हो तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सीकोप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रहा अनसैचुरेटेड और ये रहा सैचुरेटेड, ये 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2
थ्री, यहाँ से हो जाएगी थ्री कामा थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये वाला बांड इधर और ये वाला बांड इधर और ये वाला बांड ब्रेक होगा हमारा ये इधर, ये वाला बांड टूटेगा इधर डबल बांड, और ये वाला बांड इधर घूमेगा तो इधर डबल बांड आएगा और इधर ओ एच ओ एच, ये हो गया हमारा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा इनॉल, अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कीटोन में, तो क्या हो जाएगा ये वाला एच वाला बांड इधर मूव हो जाएगा और ये वाला बांड इधर आएगा तो इधर आएगा माइनस, ये वाला बांड इधर घूमेगा तो ये वाला इधर घूम जाएगा तो इधर आएगा माइनस, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है प्लस, तो हाइड्रोजन जाकर इससे लगकर वो प्लस वो माइनस बैलेंस हो, प्लस माइनस बैलेंस हो जाएंगे। ये यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला हमारा एनॉल, ये वाला कीटो, यहाँ हो रही है टाटोमेराइजेशन। टाटोमेराइजेशन और यह थर्मल कंडीशन में इसे हम हीट करके किए हैं अभी, ये तब ये हुआ है ऑक्सीजन को रीअरेंजमेंट में। अब हम इसी रिएक्शन को करें किसी बेस के प्रेजेंस में तो फिर क्या होगा वो हमारा, उसको हम देखते हैं। चलिए ये है हमारे पास इधर लगा हुआ ये OH, इसको सबसे पहले करते हैं हम KH, KH एक हमारा बेस है तो इससे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन को यहाँ से डी प्रोटो इसे निकालेगा, यहाँ से इसका डी प्रोटोनेशन होगा, डी प्रोटोनेशन तो हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से तो ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव इस तरह से, ये वाला ऐसा ही रहा अभी और ये रहा हमारा ऑक्सीजन, इस पर आया निगेटिव चार्ज। अब यहाँ से हो जाएगी हमारी 1 2 3 कामा थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये वाला बांड इधर और ये वाला इधर, वन वन के वन वन ये वन वन के बीच के वन वन के बीच का बांड ब्रेक होगा, ये वाला इधर तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे, ये रहा ओ और ये रहा माइनस। अब क्या होगा, अब यहाँ से इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, ये माइनस अपना लोन पेयर देखकर इधर बॉन्ड बनाएगा और ये वाला इधर घूम जाएगा, तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ और ये ऑक्सीजन तो न्यूट्रल हो जाएगा और माइनस चार्ज आएगा अब यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड यहाँ तो रहेगा ही, ये हो जाएगा हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब हम इसको यहाँ पर लिखें फिर से, ये रहा ओ माइनस। अब इसकी करानी है आपको हाइड्रोलिसिस यस टू या फिर एच प्लस से आप करा सकते हैं इसे, जब एच प्लस से आप कराएंगे तो ये जाकर यहाँ लग जाएगा, ओके पास माइनस है ये एच प्लस जाकर इससे जुड़ जाएगा, ये ओ और ये आ जाएगा हमारा एच यहाँ पर, ये हो गया हमारा एनॉल। तो अब आप इसे देखिए, इस एनॉल को और इस एनॉल को तो दोनों सेम है, तो इसमें जो हुआ है टाटोमेराइजेशन वो कीटोफॉर्म, इसमें भी वही होगा, ये वाला बांड इधर मूव होगा और ये वाला बांड इधर आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस तो एच प्लस इससे लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टाटोमेराइजेशन। हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से बांध करके एच यहाँ पर लग जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कीटोफॉर्म।
क्या था हमारा इसमें, इसमें भी रिएक्टेंट वही था, इसमें भी हमने वही लिया, यहाँ पर 3 कामा 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हुई, यहाँ पर भी वही हुआ, बस यहाँ पर थर्मल कंडीशन था और यहाँ पर हमने बेस यूज़ किया। तो यहाँ पर डिप्रोटोनेशन हुआ सबसे पहले हाइड्रोजन का, उसके बाद ये रिएक्शन हुई, लेकिन लास्ट में क्या प्रोडक्ट हमारा एनॉल और कीटो बन रहा है, यहाँ पर भी एनॉल और कीटो बन रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? तो इन इन दोनों रिएक्शन में बस इतना डिफरेंस है कि ये वाली रिएक्शन इस रिएक्शन से, इसमें रेट का डिफरेंस है, ये रिएक्शन उस रिएक्शन से 10^17 टाइम फास्टर होती है, 10^17 टाइम फास्टर। ये दूसरी वाली, ये वाली रिएक्शन, ये पहली हो गई और ये दूसरी वाली, ये इससे 10^17 टाइम फास्टर होती है। चलिए अब हम एक और देख लेते हैं इसका एग्जांपल, ऑक्सीकोप का। ये रहा हमारा, देखना में क्या है, यहाँ पर डाइन है और यहाँ पर ओएच ग्रुप लगा है। तो कई बार अगर डाइन होना होती है वहाँ हमारा कोपरी अरेंजमेंट होता है, लेकिन अगर डाइन के साथ अगर ओएच लगा है तो हो जाएगा हमारा वो ऑक्सी कोपरी अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन, यहाँ से हो जाएगा नंबर 1, 2, 3। इस नंबर 1 से इसको देंगे नंबर 1, 2, 3। इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है, इसको हम इधर मूव करा देंगे और इसको इधर और फिर इसको इधर। बीच वाला बांध हमारा ये ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर आएगा डबल बांध, और एक डबल बांध आएगा यहाँ पर, और एक बांध यहाँ पर बन जाएगा, और ओएच ग्रुप ओएच यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको अब ये दिख रहा होगा कि ये भी एक एनॉल फॉर्म का है। अभी इस एच को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जिस तरह अभी तक हमने यहाँ से निकाला था वहाँ से। तो ये बाण मूव होकर इधर आ जाएगा और ये वाला बाण मूव होकर इधर जाएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, तो एच प्लस आकर यहाँ रह जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा वहाँ पर बैलेंस, माइनस यहाँ पर एच प्लस, यहाँ पर ये माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएंगे बैलेंस। तो अब यहाँ पर देख लीजिए उसको, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, और ये एज जाकर यहाँ से यहाँ लग गया, ये हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। हम देखें एजा को प्री अरेंजमेंट, एजा को में क्या होगा कि हमारी 1,5-diene से एक कार्बन निकल कर वहाँ पर नाइट्रोजन लगी, जैसे कि ये है हमारी अभी 1,5-diene जिसमें होती थी हमारी को प्री अरेंजमेंट, लेकिन अब यहाँ पर जो कार्बन है इसको हम हटा कर यहाँ पर लगा दें नाइट्रोजन, और इसे लगा दें आर ताकि ये बैलेंस हो जाए। हाँ, तो अब हम इसको कहेंगे एजा को प्री अरेंजमेंट, अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसे हम कहेंगे एजा को। ये अनसैचुरेटेड 1, 1, 2, 3, 2, 3, यहाँ पर ये बांध इधर और ये और बांध इधर इधर, यहाँ से रिएक्शन कराएंगे आप 3 कामा 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी, ये बाण यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर आर, इसको इस तरह से हम लिख लें पहले, तो डबल बाण एक यहाँ पर और एक डबल बाण यहाँ पर, ये हो गया हमारा। अब हम नाइट्रोजन को यहाँ लगाएं, अब नाइट्रोजन को अगर हम यहाँ पर लगाएं तो वो भी होगी हमारी एजा कोप रीअरेंजमेंट, यहाँ पर आर। अब जब नाइट्रोजन के पास 4 बाण होंगे तो इस पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर, यहाँ पर भी होगी 3 कामा 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। यहाँ हमारा यन है, यहाँ आर है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा अब डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड एक हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो इधर डबल बॉन्ड, ये वाला इधर घूमेगा तो इधर डबल बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इधर घूमा तो ये बॉन्ड बना। अब हम इस नाइट्रोजन को शिफ्ट करके यहाँ पर करें तो वो भी होगी हमारी एजा को प्री अरेंजमेंट। ये इस तरह से इसकी नंबरिंग 1 2
थ्री, वन टू थ्री, थ्री कामा थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहाँ पर भी होगी। इसको हम इधर मूव कर सकते हैं, इसको इधर और इस वाले को इधर। अब आपको ये तो पता चल चुका होगा कि वन वन के बीच का वन हमेशा ब्रेक होता है। जो हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसा कोपरियर अरेंजमेंट का मतलब यही है कि कहीं पर एक कार्बन हटाकर नाइट्रोजन ग्रुप लग जाए, हमारा नाइट्रोजन लग जाए। जैसे कि अभी पहले पोजीशन हमने यहाँ से हटाया, दूसरे में हमने यहाँ से, तीसरे में हमने यहाँ से, उसी तरह आप नीचे भी करेंगे तो वही सेम आएगा। तो ये होगी हमारी ऐसा कोपरियरेंजमेंट। तो ऐसा कोपरियरेंजमेंट का एक और नाम है जिसे कहते हैं मायनिक रीअरेंजमेंट। अब लिख लीजिए मायनिक, उधर लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर लिख। मानते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या है मैम? तो क्लेजन रीअरेंजमेंट जो अकर होती हमारी होगी तो वो होगी अलाइल फिनाइल ईथर। जब होगा हमारा अलाइल फिनाइल ईथर तो वहाँ पर होगी हमारी क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो अलाइल फिनाइल ईथर क्या है अब वो देखिए, लिखा है पढ़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा ये अलाइल ग्रुप, ये रहा फेनाइल, और ये रहा ओके इधर आर ग्रुप कोई अल्किल ग्रुप, ये इधर कोई अल्किल या आयरिल ग्रुप। तो ये ईथर, अलाइल फेनाइल ईथर ये हमारा। तो इसको क्या कह रहा है, इसको हीट कर दिया जाए बिना किसी सॉल्वेंट के, तब यहाँ पर होती है हमारी क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट क्या है? ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, यहाँ होगा, ठीक है, एक दो तीन चार, दो तीन चार, ठीक। तो इसमें नंबरिंग अगर हमें करनी है तो ये रहा इसका अनसैचुरेटेड कार्बन, ये दोनों, ये रहा सैचुरेटेड, ये हो जाएगी वन टू थ्री, और ये वन टू थ्री। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट भी हमारी थ्री कामा थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है। तो अब ये रहा वन वन वाला बॉन्ड जिसको हमें ब्रेक करना है, तो ये वाला बॉन्ड इधर मूव हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर इससे बनाएगा बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड इधर मूव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगी क्या, ये दोनों बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड इधर घूम के आ रहा है तो ये डबल बॉन्ड ओ, और ये बॉन्ड इधर से ब्रेक, और ये वाला इधर इससे जुड़ रहा है, ये इसे जुड़ा है CH2 से, इस वाले CH2 से जुड़ा है। अब ये इसके बाद आएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये CH2, ये इस तरह से होगा। ये वाला कार्बन जुड़ा है, और ये वाला कार्बन ये है, और ये वाला कार्बन अब ये गया। अब यहाँ तक रिएक्शन होने के बाद अब यहाँ से दो तरह से रिएक्शन और हो सकती है, टू स्टेप में। अब तो एक यहाँ पर, ये यहाँ पर एच लगा है, आप इसको एच को इधर ओ का बॉन्ड इधर मूव करा कर यहाँ से एनोलाइजेशन करा सकते हो इसको आप। और दूसरा क्या है, पहले हम एक को कराएं, ये एच है, इस एच को हम इधर मूव कर दें इस बॉन्ड को, और ये बॉन्ड गया इधर, तो ओ पे आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, तो ये प्लस जाकर इससे लग जाएगा। एक तरह से कहें तो ये आप कीटोनिक ग्रुप है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ से एनोलाइजेशन, जिससे आपका यहाँ पर बनेगा एनॉल। यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये एरोमेटिक रिंग हो जाएगी पूरी, ये हो जाएगा OH, और इधर लगा हुआ ये हो जाएगा CH2। ये होगा हमारा आर्थो एलाइल। अब दूसरा हमारा क्या बना, इसको मैं अब यहाँ पर बनाऊँ, यहाँ से
हो गया, यहाँ पे लगा हुआ डबल बॉन्ड ओ और ये रहा सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू। पहला तो एक ये तरीका हो गया, ये रिएक्शन इस तरह से होकर ये आर्थो एलाइल फिनाइल आर्थो प्रोडक्ट बन गया हमारा। अब दूसरा तरीका क्या, दूसरा हमारा क्या बन सकता है, ये रहा हमारा अनसैचुरेटेड, ये रहा सैचुरेटेड, वन टू थ्री, यहाँ से ये नंबरिंग हो गई वन टू थ्री और ये वन के बीच के बॉन्ड वन टू थ्री। यहाँ पर हुई थी हमारी ये क्लेसन रीअरेंजमेंट ना, अब देखिए यहाँ से वन टू थ्री, यहाँ पर भी वन टू थ्री, अब ये थ्री वाला बॉन्ड जाकर इससे लगेगा, ये वाला बॉन्ड इधर मूव होगा और ये वन वन के बीच का बॉन्ड जो है वो इधर ब्रेक हो जाएगा, वो इधर आएगा यहाँ पर बना, ये डबल बॉन्ड और रहेगा, ये बॉन्ड इधर है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक बॉन्ड यहाँ पर बीच में यहाँ पर बॉन्ड आया, यहाँ पर ये हो गया और इससे लग रहा है हमारा ये बॉन्ड जुड़ा इसे इस एच टू से, ये होगा सी एच टू। अब यहाँ से ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी एच, अब यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड सी एच टू, ये हो जाएगा हमारा। हाँ, अब यहाँ तक होने के बाद अब ये जो रीअरेंजमेंट हुई है यहाँ पर, ये है कोप रीअरेंजमेंट, यहाँ पर क्लेजन हुई थी जब आर्थो एलाइल फिनाइल था, लेकिन जब अब वो कन्वर्ट हो गया एनाल में कीटोनिक ग्रुप में, तब यहाँ पर होगी अब कोप रीअरेंजमेंट। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर भी ये जुड़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक एच है, तो अब इस एच वाले बॉन्ड को हम इधर मूव कराए देंगे और इस वाले को इधर मूव कराएंगे और इस वाले को ओ पे आएगा माइनस, ये एच जाकर इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओ एच हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर ये और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर ये और इधर ओ एच और इधर जो हमारा लगा हुआ है सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ये हमारा आर्थो एलाइल फेनाइल है, ये हमारा पैरा एलाइल फेनाइल, पैरा एलाइल फेनॉल। अब यहाँ तक हो गया, अब इसमें कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, तो आर्थो वाला जो होगा ये वाला होगा हमारा मेजर और ये पैरा वाला जो होगा वो होगा हमारा माइनर। तो आर्थो वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर होगा और पैरा वाला माइनर होगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं, जैसे कि आर्थो पोजीशन हमारा मेजर बन रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आर्थो पोजीशन कितनी है, दो है, एक ये पोजीशन आर्थो है और ये वाली पोजीशन आर्थो है। तो पहला केस क्या है, पहली कंडीशन, एक हम आर्थो पोजीशन को ब्लॉक करें, एक आर्थो पोजीशन को अगर हम ब्लॉक कर दें आर से, आर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो एक आर्थो पोजीशन ब्लॉक हो जाएगी, तो दूसरी जो रिएक्शन है वो इस तरह से रिएक्शन होगी, यहाँ पर आर लगा है, ये पहला केस है। जब एक आर्थो पोजीशन ब्लॉक है तब, तो एक आर्थो पोजीशन यहाँ पर ब्लॉक है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा वाले आर्थो के पोजीशन हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, प्लस माइनर वाला यहाँ पर आप पैरा वाला बना सकते हैं, ये हो जाएगा ओ एच और ये हो जाएगा सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये हो जाएगा पैरा वाला जो बनेगा हमारा माइनर। चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या है, जो कि पहली, अब दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में ये वाली भी पोजीशन, ये वाली आर्थो पोजीशन भी ब्लॉक हो, ये आ रहा है यहाँ पर आर डैश, तब क्या होगा, तब इस केस में क्या होगा, इसको मैं यहाँ ना दिखा कर अब नीचे दिखाऊं, ये आर और ये आर डैश ओ सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो अब यहाँ पर दोनों आर्थो पोजीशन ब्लॉक है, दोनों आर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप लगे हुए हैं, तब यहाँ से आर्थो नहीं बनेगा, यहाँ से सिर्फ बनेगा पैरा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा ओ एच
और पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर मेजर। ये हो गया हमारा पहली कंडीशन, तो ये थी। दूसरी कंडीशन ये है, अब तीसरी कंडीशन क्या है, अब ये पैरा पोजिशन भी ब्लॉक हो आर यहाँ पर आर डैश यार, और यहाँ पर मैं आर डबल डैश ले लेता हूँ, ये ओ सी एच टू सी एच सी एच टू। अगर यहाँ पर आर्थो दोनों पोजीशन और पैरावल पोजीशन सब ब्लॉक हो तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये हो गया क्लेसन रीअरेंजमेंट, उसकी तो एक एग्जांपल देख लेते हैं क्लेसन रीअरेंजमेंट का। और मैंने एग्जांपल यहाँ पर ऐसे लिखा, तो अब यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, ये हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन और इसे लगाओ ये सैचुरेटेड कार्बन, इसको नंबर देंगे वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री। अब इस नंबर वन से हम जाएंगे अनसैचुरेटेड तरफ, इधर हम नहीं जाना, इसे जाना हमें अनसैचुरेटेड तरफ, ये इसको तो देंगे हम नंबर वन, इसको टू, इसको थ्री। तो वन वन के बीच का बाउंड ब्रेक करो इधर और इसका बाउंड इधर मूव होगा और ये वाला बाउंड इधर मूव हो जाएगा, तो इसके बाद हमारा क्या बनेगा, ये बाउंड हमारा ये ऐसे इधर वाला ब्रेक हो चुका है, सिर्फ ऊपर बनेगा, डबल बाउंड यहाँ पर आएगा और एक बाउंड इधर बन जाएगा, ये वाला बन रहा है, ये वाला बाउंड इधर बन रहा है, ये हो जाएगा, फिर इससे लगा हुआ है फाइव मेंबर रिंग और यहाँ पर ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा क्लेसन रीअरेंजमेंट। अब एक और बचा हुआ है क्लेसन कोप रीअरेंजमेंट, उसको भी हम यहीं पर कर लेते हैं क्लेसन कोप रीअरेंजमेंट। क्लेसन कोप में क्या है, उसका एक एग्जांपल से आप देख लीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा उसका। ये है क्लेसन कोप का एग्जांपल। अभी हमारा ये अनसैचुरेटेड कार्बन और इस ये सैचुरेटेड, इसको देंगे नंबरिंग वन, इसको टू, इसको थ्री, इस वन से नंबरिंग इसको वन, इसको टू, इसको थ्री। तो वन वन के बीच का बाउंड ब्रेक करो, इधर घुमा दो इसे, तो ये बाउंड इधर आ जाएगा, ये बाउंड इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बाउंड हमारा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर डबल बाउंड आ जाएगा, ये डबल बाउंड और इधर एक बाउंड बनेगा इधर, डबल बाउंड आ जाएगा एक यहाँ पर। ये हो गई हमारी क्लेसन कोप रीअरेंजमेंट, यहाँ पर भी होती है थ्री कामा थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो अब तक हमने देखा थ्री कामा थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, तो सिग्मा थ्री कामा थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन ये हमारी खत्म होती है, जिसमें हमने देखा कोप रीअरेंजमेंट इससे रिलेटेड और क्लेसन एलेजन जो हमने देखा यहाँ पर। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।